वहीं ओला इलेक्ट्रिक का 6,146 करोड़ रुपए का आईपीओ आज बाजार में दस्तक दे रहा है। ये साल का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है और इस पर 6 अगस्त तक बोली भी लगाई जा सकती है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली किसी भारतीय कंपनी का पहला आईपीओ है। इसमें 5,500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि ओएफएस के जरिए 8.49 करोड़ रुपए शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव है। कंपनी ने इस इशू के साथ प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए तय किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस इशू के लिए अपनी वैल्यूएशन भी कम की है। अपर बैंड पर इसकी मार्केट वैल्यू करीब 33,522 करोड़ रुपए है, जबकि सितंबर में लास्ट फंडिंग राउंड में उसने 48,000 करोड़ रुपए की वैल्यू पर फंड जुटाया है।